फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 8 छोटू चाय वाला का रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग के लिए आप लोगों को बता दिया गया था, अभ्यास कार्य यहाँ तक हो भी चुका था। ठीक है, आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। छोटू ढाबे पर किस प्रकार किस कारण चला आया था। छोटू ढाबे पर किस कारण चला आया था, आंसर देखिए। छोटू के पिता का स्वभाव कठोर था। एक दिन छोटू के स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे डांटा, चाटा मारा। ठीक है, जिससे छोटू स्कूल में ही बस्ता छोड़कर भाग गया। इस कारण भागते भागते ढाबे पर पहुंच गया। समझ में आया? ठीक है, इस कारण भागते भागते ढाबे पर पहुंच गया। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। छोटू के पिता का स्वभाव कठोर था। एक दिन छोटू के स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे चाटा मारा था, जिससे छोटू स्कूल में ही बस्ता छोड़कर भाग गया। इस कारण भागते भागते ढाबे पर पहुंच गया। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए। ढाबे पर काम करते करते थकावट के कारण छोटू की कैसी हालत हो जाती थी। ठीक है, आंसर देखिए। ढाबे पर काम करते करते छोटू की दशा खराब हो गई। नौकरी के नाम पर दिन भर गालियां, थप्पड़ और घूसे, आधा पेट भोजन और मैले बिस्तर पर 4-5 घंटे की आधी अधूरी नींद ही मिल पाती थी। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए। कोई ऐसा प्रसंग लिखिए जिसमें ढाबे के मालिक की छोटू के प्रति क्रूरता दृष्टिगोचर होती हो। देखिए थर्ड नंबर आंसर देखिए। ढाबे के मालिक की क्रूरता छोटू के प्रति इस प्रकार झलकती है, जब छोटू से नींद और थकावट से अचानक उसके हाथ से चाय की केतली टूट जाती है। ठीक है, नींद और थकावट से अचानक में उसके हाथ से चाय की केतली छूट गई। गर्म खौलती चाय उसके पैरों पर गिरी। ग्राहक छोटू को गालियां देने लगा। मालिक लात घूसों से छोटू को पीटने लगा। वह गालियां भी दिए जा रहा था। इससे उसकी क्रूरता झलक रही थी। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू को क्या हुआ था। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू अपना काम भूलकर सुखद स्वप्न में सपने में खो गया। फिर से देखिए। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू अपना काम भूलकर सुखद सपने में खो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किन विचारों ने छोटू को घर वापस लौटने को विवश किया। ठीक है, आंसर देखिए। स्कूल जाते बच्चों को देखकर तथा क्रिकेट खेलते बच्चों की गेंद सड़क इस पार आ गई, जिसे सड़क पार फेंकने मात्र से उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसे घर, स्कूल, खेलना, माता पिता, भाई बहन सबकी याद आने लगी। इन्हीं विचारों ने छोटू को घर वापसी के लिए विवश किया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आप लोग इसको कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। भाषा की बात। ठीक है, का नंबर देखिए। स्थूल पदों के संज्ञा भेद बताइए। मालिक का व्यवहार छोटू के प्रति क्रूरता का था। क्रूरता क्या है, इसके अवगुणों को बता रहा है। ठीक है, यानी ये भावना को व्यक्त कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसने कठिनाई से रास्ता तय किया, ये भी भाववाचक संज्ञा है। छोटू का मन मालिक के प्रति घृणा से भर गया। ठीक है, ये भी
भाववाचक संज्ञा है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।